मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजस्थान से इकलौते मंत्री रहे निहाल चंद मेघवाल को राजस्थान पुलिस खोज नहीं पा रही। मेघवाल को एक महिला से बलात्कार के आरोप में आज जयपुर की अदालत में पेश होना है, लेकिन अदालत में पुलिस की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक निहाल चंद मेघवाल मंत्री बनने के बाद से लापता है। पुलिस राजस्थान में उनका पता ठिकाना नहीं ढूंढ पा रही है और इस वजह से अब तक अदालती समन तामील नहीं कर सकी है। वहीं मंगलवार को निहाल चंद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिलते दिखे और उन्होंने कृषि भवन जाकर पंचायती राज मंत्री के तौर पर कार्यभार भी ग्रहण किया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक केंद्रीय मंत्री के साथ नजर आ रहे हैं और उसके बाद निहाल चंद को पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस कह रही है कि उसे कोई जानकारी नहीं कि आखिर कहां है निहाल चंद, और निहाल चंद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक केंद्रीय मंत्री के साथ। इसके पहले आपको बता दें कि निहाल चंद के पास रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री का पदभार था। मेघवाल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में 31 अक्टूबर के दिन भी जयपुर में देखे गए थे। इसके बावजूद पुलिस को निहाल चंद मेघवाल का कोई अता पता नहीं मालूम है, जबकि आज अदालती समन के मुताबिक निहाल चंद मेघवाल को रेप केस में जयपुर की अदालत में 16 अन्य आरोपियों के साथ कटघरे में खड़ा होना है। सवाल यही कि क्या रसूख का फायदा उठा रहे हैं मेघवाल, और अगर ऐसा है तो फिर केंद्र की जो मोदी सरकार है वो क्या जवाब देगी, जिसने तमाम बड़ी बड़ी बातें की थी, दागियों को मंत्रिमंडल से दूर रखने की बात की गई थी। लेकिन सवाल यही कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस शख्स को पुलिस ढूंढ रही है अदालती समन तामील नहीं कर पा रही है पुलिस, वो अभी भी मंत्री, और ना सिर्फ मंत्री बल्कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जैसा कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह से वो मिले थे कैमरे के सामने। इन तस्वीरों में एक और मंत्री नजर आ रहे हैं, पीछे रामकृपाल यादव भी दिख रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस ऐसे में क्यों नहीं पकड़ पा रही है निहाल चंद को। क्या उनका रसूख कानून की राह में बाधा बन रहा है, और अगर ऐसा है तो बड़ा सवाल मोदी सरकार को लेकर खड़ा होगा। तो पुलिस ने जो तर्क दिए हैं, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि निहाल चंद मेघवाल का कोई अता पता नहीं, जबकि निहाल चंद तमाम बड़े कार्यक्रमों में लगातार हिस्सा ले रहे हैं, बतौर मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल जब बदला गया, मंत्रालय जब बदला गया उनका, उस दौरान भी नजर आए। और इन तस्वीरों में जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के कार्यक्रम में भी पहुंचे, वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। इस बीच एक बड़ी